हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4 न्यू लर्न वेल के इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3, जो कि है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह में यूज़ किए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या होते हैं, और अब हमने ये भी देखा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, मतलब प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह में यूज़ किए जाते हैं। जैसे राजू है तो बार बार राजू ना लिख करके हम प्रोनाउन का वर्ड ही यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप के प्रोनाउंस हम जानते हैं। प्रोनाउंस जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। दे आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जहाँ पर हम अपने स्वयं के लिए कोई बात कह रहे होते हैं। जैसे कि आप अगर अपने आप को कह रहे हैं तो आई कह सकते हैं, या आई यानि मैं, माई यानि मेरा, मी यानि मुझे, वी यानि हम, अवर यानि हमारा, यू यानि तुम, योर यानि तुम्हारा। जैसे शी इज माई सिस्टर, तो वो पर्सनल एक किसी व्यक्ति के लिए हो गया कि वह मेरी बहन है। किसी दूसरे की बहन तो होगी नहीं। हम अगर किसी के लिए बताएंगे, यही कहेंगे कि वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। ही गेव मी अ बुक, किसने बुक दी? उसने मुझे बुक दी। तो यहाँ पर मी क्या हो जाएगा? अपने लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं। ही गेव मी अ बुक। वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम ख़त्म किया। तो ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स थे। अब हम देखते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दैट इज अ डॉल, ही दिस इज अ बुक, दीज आर रोजेस। तो किसी चीज़ के लिए जब हम बता रहे होते हैं तो वहाँ पर हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रश्न जहाँ पर जब करने वाला होता है तो वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, जैसे हु यानि कौन, वॉट यानि क्या, हुज यानि किसका, विच यानि कहाँ या कौन या किसका। जैसे एग्जांपल है हु आर यू, तुम कौन हो, हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, वॉट यानि क्या, विच इज द बेस्ट शॉप, कौन सी दुकान अच्छी है, Whom did you see there? तुम किसको देख रहे हो। तो जहाँ पर भी what, who, which, whom जैसे शब्दों का प्रयोग होगा वे सभी प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में हम पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 प्रकार के प्रोनाउन को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हम 3 कैटेगरीज में क्लेरिफाई करते हैं। एक वह जिसमें हम खुद के लिए बात कर रहे हैं, एक वह जो हम किसी सामने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, या जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हों तो वो हो जाएगा तीसरा पर्सनल प्रोनाउन। तो जहाँ हम स्वयं के लिए बात करेंगे वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करेंगे,
जहाँ पर हम दूसरी व्यक्ति के लिए, सामने वाले के लिए कोई बात कहेंगे वहाँ हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जब दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा। मतलब हमने क्या देखा कि मेनली प्रोनाउन तीन प्रकार के हो गए, एक पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन को भी हमने तीन भागों में बांटा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से हमने पर्सनल प्रोनाउन को तीन भागों में बांट लिया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों में कौन कौन से वर्ड यूज होंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन को जैसा हमने पहले बताया कि थ्री टाइप्स में आप बांट सकते हो, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन के जो थ्री टाइप्स हैं वो हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस का यूज़ किया जाएगा? फर्स्ट पर्सन में हम सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर यानि वन के लिए और प्लूरल यानि मोर देन वन के लिए। तो वन के लिए या तो आप अपने स्वयं के लिए आई यानि मैं, माई यानि मेरा, मी यानि मुझे, माइन यानि हमारा, मेरा और माई सेल्फ यानि मेरे द्वारा, तब एक जन के लिए ये वाले फर्स्ट पर्सन यूज़ होंगे। वहीं पर प्लूरल के लिए वी यानि हम, अवर यानि हमारा, अस यानि हम, हमें, अवर्स यानि हमारे, अवर सेल्फ यानि हमारे द्वारा, ये प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के बाद पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड टाइप है वो है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के सिंगुलर के लिए यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारे द्वारा। वहीं प्लूरल के लिए यू, यू, योर्स और योरसेल्फ। यानी कि सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम वर्ड्स यूज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज योर थर्ड पर्सन। सिंगुलर के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस हैं ही, यह, वह, हिज, उसका, हिम, उसके, हिमसेल्फ, उसके द्वारा, शी, वह, हर, उसका, हर, उसकी, हर सेल्फ, उसके द्वारा, इट और इट सेल्फ और इट। वहीं प्लूरल के लिए यूज होने वाले प्रोनाउंस हैं दे, देयर, देम, देमसेल्फ, दे यानि वे, उनका, उनके, उनके द्वारा। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को हमने देखा। अब इसके बाद में आप देखेंगे एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ऑफ द ब्लैंक। ब्लैंक एम रेशु, मी होगा कि आई होगा, नेचुरल सी चीज़ है, आई एम रेशु। शी इज मोना, शी इज माई सिस्टर, दिस इज आवर हाउस, ही, इट इज अ बिग हाउस, वी लीव हियर विथ आवर पेरेंट्स, दे आर वेरी गुड पेरेंट। जहाँ पर एज दिखता है, आर दिखता है, आप वहाँ पर ही, शी, इट का यूज़ कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। जहाँ पर एम दिखता है वहाँ का पर आई का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर सिंगुलर के बाद प्लूरल दिखे तो वहाँ पर आपको प्लूरल के लिए, जैसे यहाँ पर है वी रिस्पेक्ट देम, उन्हें, एंड दे यानि वे लव अस, लव करते हैं किसे, हमें। तो ये एक एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, इसी के कुछ और हैं, क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसके सॉल्यूशंस आप करने की कोशिश करेंगे। आई विल डू माई जॉब माई सेल्फ, ही विल डू हिज जॉब हिमसेल्फ, शी विल डू हर जॉब हर सेल्फ,
यू विल डू योर जॉब योर सेल्फ, वी विल डू आवर जॉब आवर सेल्फ, दे विल डू देयर जॉब देयर सेल्फ, अनिल विल डू हिज जॉब हिमसेल्फ, गर्ल्स विल डू देयर जॉब देयर सेल्फ, राधा विल डू हर जॉब हर सेल्फ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करके इनके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, एक और एक्सरसाइज है यहाँ पर, रीराइट ईच सेंटेंसेस इन द प्लूरल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक, तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे, हैज़ का हैव, लॉस्ट का लॉस्ट, हिज का देयर, बुक का बुक्स। मतलब सभी वर्ड्स के प्लूरल्स में, जैसे आई गेव हर माई बुक, तो आई का क्या हो जाएगा, वी गेव का गिव, हर देम देयर, माई का देयर, बुक का बुक्स। तो इस तरह से आप इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में चूज द सुटेबल प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन नाउन, नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा। मोहन के लिए क्या आएगा, ही, राहुल के लिए ही, द वॉस के लिए एट, द जैब्रा के लिए एट, द बॉयज के लिए देम। ठीक है, तो इस तरह से, और इसके बाद वही एक एक्सरसाइज है जहाँ पर उन प्रोनाउंस को यूज़ करना है, मोनू की जगह ही, हिज फ्रेंड की जगह देम, ही मेट देम यस्टरडे, और उससे नया सेंटेंस आपको बनाना है। रानी वेंट फॉर द पोस्टमैन, रानी क्या कर रही है, पोस्टमैन का वेट कर रही है, तो रानी की जगह क्या आ जाएगा, शी वेट फॉर द, हटा देंगे, सी वेट फॉर हिम, यू एंड मोना दे राइट हर अ लेटर। तो इस तरह से आप बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा टाइप्स ऑफ नाउन, और जिन एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलते हैं तो उसको मैं आपकी क्लासरूम में भेज दूंगा। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखना है, घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है।